इसराइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसराइल ने ईरान के हमले के ठीक 6 दिन बाद काउंटर अटैक कर दिया है। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। पश्चिमी देशों की जवाबी कार्रवाई न करने की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए इसराइल ने ईरान पर यह हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व में कई मोर्चों पर युद्ध का आगाज हो चुका है। उत्तर में रूस यूक्रेन के बीच का तनाव शांत नहीं हुआ था कि दक्षिण में इसराइल एक छोर पर हमास से जंग लड़ रहा है तो दूसरे छोर पर ईरान के साथ भी युद्ध की परिस्थिति सामने आ गई है और अब दोनों देशों में तनाव गहराता जा रहा है और एक के बाद एक हमलों पर जवाबी कार्रवाई हो रही है। पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद शुक्रवार की सुबह इसराइल ने ईरान पर पलटवार किया है। इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के न्यूक्लियर प्लांट और एयरपोर्ट को मुख्य तौर पर निशाना बनाकर हमला किया है। बताते चले कि ईरान का इस्फहान स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे भी हैं और आबादी की दृष्टि से भी बड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाकर इसराइल एक बड़ा संदेश देना चाहता है कि वह ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कमजोर कर सकता है। इसराइल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से इसराइल को खुली धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसको तुरंत और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इसराइल के हमले के बाद ईरान के हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। हमले के बाद ईरान ने बताया कि इस्फहान में उनके सभी न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। ईरान ने भी इसराइल के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो जल्दी ही पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।